जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाती हूँ, सत्संग बड़ा है या तप। सुनिए, एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में इस बात पर बहस हो गई कि सत्संग बड़ा है या तप। विश्वामित्र जी ने कठोर तपस्या करके रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया था, इसलिए वे तप को बड़ा बता रहे थे, जबकि वशिष्ठ जी सत्संग को बड़ा बताते थे। वे इस बात का फैसला करवाने ब्रह्मा जी के पास चले गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूँ, आप विष्णु जी के पास जाइए, विष्णु जी आपका फैसला अवश्य कर देंगे। अब दोनों विष्णु जी के पास चल दिए। विष्णु जी ने सोचा, यदि मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ तो विश्वामित्र जी नाराज होंगे, और यदि तप को बड़ा बताता हूँ तो वशिष्ठ जी के साथ अन्याय होगा। इसीलिए उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि मैं सृष्टि का पालन करने में व्यस्त हूँ, आप शंकर जी के पास जाइए। अब दोनों शंकर जी के पास पहुँचे तो शंकर जी ने उनसे कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसका फैसला तो शेषनाग जी कर सकते हैं। अब दोनों शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी ने दंडवत प्रणाम किया और उनसे पूछा, कहो ऋषियों, कैसे आना हुआ? वशिष्ठ जी ने बताया, हमारा फैसला कीजिए कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा है और मैं सत्संग को बड़ा बता रहा हूँ। शेषनाग जी ने कहा, मैं अपने सिर पर पृथ्वी का भार उठाए हुए हूँ, यदि आप में से कोई भी थोड़ी देर के लिए पृथ्वी का भार उठा ले तो मैं आपका फैसला कर दूंगा। तप में अहंकार होता है और विश्वामित्र जी तपस्वी थे, उन्होंने तुरंत अहंकार में भर कर शेषनाग जी से कहा, पृथ्वी को आप मुझे दीजिए। विश्वामित्र जी ने पृथ्वी अपने सिर पर ले ली। अब पृथ्वी नीचे की ओर चलने लगी। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी रोको, पृथ्वी रसातल को जा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपना सारा तप देता हूँ, पृथ्वी तू रुक जा। परंतु पृथ्वी नहीं रुकी। यह देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, मैं आधी घड़ी का सत्संग देता हूँ, पृथ्वी माता आप रुक जाओ। फिर पृथ्वी वहीं पर रुक गई। अब शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सिर पर ले लिया और उनको कहने लगे, अब आप जाइए। विश्वामित्र जी कहने लगे, हमारी बात का फैसला तो हुआ ही नहीं। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी, फैसला तो हो चुका है, आपके पूरे जीवन का तप देने से भी पृथ्वी नहीं रुकी, और वशिष्ठ जी के आधी घड़ी के सत्संग से ही पृथ्वी अपनी जगह पर रुक गई है। फैसला तो हो गया है कि तप से सत्संग ही बड़ा होता है, इसीलिए हमें नियमित रूप से सत्संग सुनना चाहिए। कभी भी या जब भी आसपास कहीं सत्संग हो, उसे सुनना और उस पर अमल करना चाहिए। सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, तो भी नहीं बराबरी सत्संग कियो विचार। इसीलिए सत्संग जरूर करना चाहिए। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, और सत्य ईश्वर है। जय मेरे भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।